और साख, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। एक वस्तु के अदला बदली अगर हम कर लेते हैं दूसरी वस्तु से तो क्या कहलाता है, वो वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम चेंज कर लें, जैसे कॉपी दे दी और पेन ले लिया, क्या हो गया, वस्तु विनिमय। अपने गांव में बहुत सारे लोग बेचने आते हैं, धान बराबर आलू टमाटर, धान बराबर आलू टमाटर। इसका मतलब ये है कि हम उनको क्या करते हैं, धान दे देते हैं। धान यानी कि मान लो कि हमने क्या दे दिया उनको, गेहूं दे दिया, और उसके बदले उनसे क्या ले लिया, आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय हो गया। गेहूँ के बदले में हमने आलू ले लिया, वस्तु विनिमय। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है मुद्रा क्या है कि वह वस्तु जो वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने, है ना, वह जो वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने, वह वस्तु जो वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती, क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। वस्तुओं को खरीदने, मान लो कुछ खाने की चीज़ खरीदना है तो हमें क्या चाहिए, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, मुद्रा है। मान लो सेवाओं को खरीदना, मान लो हम मेले में गए और झूले में झूलने की इच्छा हो रही है, तो झूले में झूलना क्या है, एक सेवा का लाभ लेना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मुद्रा यानी पैसे देने पड़ेंगे। ऋणों का भुगतान, मान लो बैंक से लोन ले रखा है और वहाँ पर अगर हमें भुगतान करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। अगर वहाँ एक कुंटल गेहूँ जाके रख दें और बोले उनको कि ये आप हमारे ऋण जमा कर लो, तो क्या वो करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए वस्तुओं, वह वस्तु जो वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है ना, विकास में ऋण की क्या भूमिका है, तो देखते हैं हम विकास में क्या ऋण की भूमिका है। देखो विकास में ऋण की क्या भूमिका है, तो विकास ऋण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। पहला है ऋण से देश की, ऋण से क्या होता है, ऋण से देश की आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऋण से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो ऋण का मतलब मान लो कि हमें बैंक से लोन लिया, 5 लाख का मान लो लोन ले लिया, और उस लोन से क्या कर लिया, एक दुकान खोल ली, उस दुकान से हमने कुछ फ़ायदा करेंगे, तो उस फायदे से क्या होगा, सकारात्मक बदलाव आएंगे आर्थिक विकास में। लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो फिर उसकी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। ऋण से लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, है ना। ऋण से आम लोग अपनी ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो आम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करेंगे। ऋण से देश की विदेशी व्यापार बढ़ता है, तो यहाँ से जब हम विदेशों में कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उससे विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। उसका मुख्य उद्देश्य है ऋण, ऋण यानी कि लोन अगर मिल जाता है तो हम उससे विदेशों में व्यापार कर सकते हैं। एक बार इसको एक बार हम रिवाइज करें तो क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो देखते हैं ऋण की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ऋण से देश की आर्थिक सकारात्मक बदलाव आता है, आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव आते हैं, ठीक है। ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय बढ़ती है, ऋण से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर रहा है, लोन मिल गया, उसने दुकान डाल ली तो उसे एक रोजगार मिल गया। ऋण से आम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता है वो लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ऋण से देश का विदेशी व्यापार बढ़ता है, तो कोई व्यक्ति अपने यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी विस्थापित करता है तो विदेशों में उसका व्यापार बढ़ाता है। इसे ऋण से की सहायता से ही ये सब संभव हो पाता है, ठीक है। अब अगला हमारा भुगतान कैसे कर सकते हैं, चेक द्वारा भुगतान वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चेक क्या है। तो चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है या फिर चेक क्या है, ठीक है। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, सबसे पहले तो भुगतानकर्ता का बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित रकम का चेक काटता है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो उसे निश्चित रकम, मान लो 20,000 रुपये का कोई चेक काट रहा है ना, तो एक ऐसा कागज़ है जो, है ना, निश्चित रकम का एक चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम किसी दूसरे व्यक्ति के एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझे कि मान लें कि रामलाल कोई व्यक्ति है ना, जो बाज़ार में गया और कुछ बेचा उसने, और वहाँ से वो डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे हैं,
और वहाँ पे है मोहन करके एक व्यक्ति, तो मोहन जिसका एक बैंक में खाता है वो क्या कर रहा है, 20,000 रुपये का एक चेक उसको दे रहा है। ठीक है, तो 20,000 रुपये का अगर वो चेक उसको दे रहा है तो वो रामलाल और उसके पिता का नाम लिखेगा, जैसे मान लें कि रामलाल पिता कचरूलाल, तो उसके नाम से एक चेक काट देगा वो। ठीक है, उसने एक चेक काट दिया, अब वो चेक के ऊपर क्या कर दिया उसने, उसे दो लाइनें खींच दी, पूरे चेक के ऊपर दो लाइनें खींच दी, दो लाइनें खींच दी, इसका मतलब ये हुआ कि वो चेक जो है अब केवल रामलाल के खाते में जमा होगा, उसे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे। तो मोहन ने अपने चेक के द्वारा बैंक को आदेश दिया कि मेरे खाते से 20,000 रुपये निकाल करके इस रामलाल पिता कचरूलाल के खाते में डाल दो। तो वो चेक एक आदेश है कि उस व्यक्ति के खाते में निश्चित रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसा है ना, इस बार इसको रिवाइज करते हैं। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के खास रकम के भुगतान करने का आदेश देता है। तो मोहन ने रामलाल के खाते में 20,000 रुपये डालने का आदेश किसको दिया, बैंक को, और बैंक ने उसके खाते में पैसे जमा कर दिए। इस प्रकार चेक के द्वारा भुगतान हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीन कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, अब 2025 में भी इसके आने की संभावना होती है। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है, जो पैसे न जारी करती है वो कौन है, तो ये RBI है ना, RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोत पर कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है। औपचारिक स्रोत का मतलब अगर बैंक से हमने कहीं लोन ले रखा है या हमने KYC करवा रखी है तो वहाँ की लेन देन के बारे में पूरी जानकारी कौन रखता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋणों के औपचारिक स्रोत के कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है। फिर देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार द्वारा बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करती है। बैंकों के बैंकर मतलब बैंकों का भी बैंक जो है वो RBI है। जैसे किसी बैंक के अंदर पैसे ख़त्म हो गए तो उसमें दूसरे पैसे ले जाना है, वहाँ पर रखना है, या फिर किसी बैंक में ज़्यादा पैसे जमा हो गए कभी 50-60 लाख रुपए, तो वहाँ से दूसरी बैंक में ले जाने का मुख्य कार्य कौन करती है, RBI। तो ये RBI बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए वो है रिजर्व बैंक के कार्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य, है ना, अगला है मुद्रा के कार्य। मुद्रा यानी कि पैसे, पैसे अगर अपने जेब में है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर जेब में पैसे है तो हम विनिमय का माध्यम है ना, मुद्रा के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये क्या है, विनिमय का माध्यम है। दूसरा, हम व्यापार कर सकते हैं, मान लो कि भाव कम हो गए तो लहसुन हमने खरीद ली और जब भाव बढ़े तो उस लहसुन को ज़्यादा दाम पर बेच दिया, तो ये क्या हो गया, एक व्यापार हो गया। बजट का निर्माण, जैसे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लोन सब इकट्ठे होकर के मान लो कि 50,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे कर दिए, एक व्यक्ति को दे देते हैं और फिर वो हर महीने 1,000 रुपये 10,000 रुपये जमा करके वो 50,000 पूरे कर देता है। उत्पादन, कोई चीज़ को हम लेकर के अगर जैसे खेती वगैरह करते हैं तो खेती में हम अनाज उगाते हैं, अनाज उगा करके 1 क्विंटल अनाज था तो उससे हम 5 क्विंटल अनाज कर लेते, तो उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है, तो हमने मुद्रा के द्वारा उस धान को ख़रीदा और उत्पादन किया। उपभोग, उसको हम लेकर के उपभोग कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें है या फिर कपड़े वगैरह है या कोई भी अपनी चीज़ें हैं जिसका हम उपभोग कर सकते हैं। तो ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल। अब देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, तो लोन लेने के कई सारे तरीके हैं, तो औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं, तो ये स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये औपचारिक हुए, जैसे बैंक से लोन लेना है ना, सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से। और अनौपचारिक क्या है, ये स्रोत रिजर्व बैंक की निगरानी में काम नहीं करते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे अपने दोस्तों से लोन लेना या अपने रिश्तेदारों से, साहूकार से, किसी से भी लोन ले सकते हैं। इसमें ब्याज दर कम होती है, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे ब्याज दर कम होती है, और इसमें ब्याज दर क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं इनसे हम 1.5% या 2% में ब्याज पर उधार लेते हैं पैसे, और वहाँ से तो हमें 0.80 या 8 पैसे या 80 पैसे ऐसे में ही हमें 0.80 यानी कि 1 रुपये में भी कम में मिल जाते हैं। ये सरकार के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि 1 साल में बैंक की पलटी करना वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, अगर इसमें 6 महीने में पैसे आ गए तो भी हम जमा कर सकते हैं, साल भर में आए तो भी कर सकते हैं, ऐसे है।
इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और ऋण प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना और लोगों को लोन देना, और इसका उद्देश्य केवल क्या है, लाभ कमाना है, क्योंकि ब्याज दर क्या होती है इसमें अधिक होती है, इसलिए ये मुख्य कार्य है इसका उद्देश्य पैसे कमाना। और इसमें बैंकों द्वारा कर्ज लिया जाता है ना, इसमें बैंकों के द्वारा कर्ज लेता है, इसमें साहूकार रिश्तेदार महाजन से कर्ज लिया जाता है। तो ये कर्ज के अलग तरीके हैं, ये कर्ज के अलग तरीके। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला देखें, आठवां क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि क्या कारण है, ये बोल रहा है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो कर्जदार पहले से ही है अगर वो, तो फिर तो थोड़ी कर्ज देगी। जब भी कोई बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि आपकी ज़मीन कितनी है, आपके नाम पर कोई मकान है क्या, अगर है तो उसकी रजिस्ट्री को गिरवी रखवा लेती है वहाँ पर, उसके बाद फिर वो लोन देती है ना। तो कुछ बैंक निम्नलिखित कारणों से तैयार नहीं होती है, वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, वो पहले देख लेते हैं कि व्यक्ति भरोसेमंद है कि नहीं, पहले भी लोन लिया था इसने भराया नहीं। वे ऋण की शर्तों को पूरा पालन नहीं कर पाते हैं, ऋण की शर्त होती है कि आपके पास कोई चीज़ है क्या गिरवी रखने के लिए, ये वो सब चीज़ें, तो वो नहीं कर पाते हैं। इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट, गिरवी रखने के लिए अगर संपत्ति नहीं होती तो मना कर देते कि आपको हम नहीं दे सकते, अगर दे दे वो तो फिर क्या भरोसा है कि वो वापस चुकाएगा, इसलिए वो पूरी गारंटी के साथ कोई संपत्ति जो होती है उसे गिरवी रखते हैं। कुछ कर्जदार अवस्था में नहीं होते हैं कि ऋण का भुगतान कर सके, मतलब कुछ कर्जदार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। अब बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, अब बैंकें अपने को सबको पैसे दे रही है, जमा कर रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं, अपने को ब्याज भी दे रही है, तो अब इसको बैंकों के पास पैसा आता कहाँ से, तो अच्छा प्रश्न है। देखो, कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए कर्ज के बीच, दिए गए ब्याज के बीच जो अंतर होता है वो बैंकों की आय है। जैसे कर्जदार से ब्याज लेती है, मान लो कर्जदार को क्या किया, इसने 5 लाख रुपये उधार दिए, कर्ज दे दिया, लोन दे दिया, और उससे वो ब्याज ले रही है, तो वो ब्याज ज़्यादा है, और हमने 5 लाख रुपये उसमें जमा कर रखे हैं बैंक में, और हमें जो ब्याज मिलता है ना वो उससे भी कम होता है, तो कर्जदार ज़्यादा ब्याज देता है और हम कम लेते हैं, तो उनके बीच में जो अंतर है, मान लो कि हमने दिए वहाँ पे 25,000 रुपये और उससे लिए उसने कितने, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये का एक साल में एक एग्जाम्पल, तो 25,000 का जो अंतर है वो 25,000 क्या है, बैंक का प्रमुख आय का स्रोत है। इसलिए बैंक की आय का स्रोत क्या है, कर्जदार को दिए गए ब्याज तथा जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो बैंक का प्रमुख आय का स्रोत बना होता है। सब इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन अच्छे से कर लें तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है।